पंजाब पुलिस विच 47 डीएसपी पद्धर दे अधिकारियां दी बदली ते बवाल मच गया। 8 जनवरी नूं चोणां दे ऐलान तों कुछ घंटे पहलां ही इह लिस्ट जारी कीती गई। सो पंजाब पुलिस विच 47 डीएसपी पद्धर दे अधिकारियां दी बदली दा इह मामला 8 जनवरी नूं चोणां दे ऐलान तों कुछ घंटे पहलां ही इह लिस्ट जिहड़ी है ओह जारी कीती गई और बदली दे हुक्मां ते साबका डीजीपी चट्टोपाध्याय दे जाली दस्तखत होण दी जानकारी मिल रही है। सूत्रां तों अहम जानकारी मिल रही है जिस नूं लै के इह बवाल होर भी ज्यादा मचा होया। विवादां विच आई इस लिस्ट ते कुछ भी बोलण नूं कोई अधिकारी तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले नूं लै के हुण जांच जिहड़ी है होवे इस दी भी मंग होवेगी, लेकिन फिलहाल कोई भी बोलण नूं तैयार नहीं है। दलजीत तों अपडेट लैणे आ। दलजीत, इह मामला बेहद गंभीर नजर आ रहा जिस नाल इह बदलियां जिहड़ियां होईयां ने 47 डीएसपी पद्धर दे अधिकारी दियां, की कुछ तुहाडे कोल इस नूं लै के जानकारी आ रही है? बिल्कुल रारा, देखो चोन जाबता लगन तो बाद यह जी लिस्ट जारी होंगी है, जिसनों लेके सोशल मीडिया से काफ़ी विवाद लिस्ट गिरी हुई है, जिसनों लेके काफ़ी सवाल उठे ने। यह दसया जा रहा है कि जेडे जी इस लिस्ट के उपर डी जी पी के साइन ने वो जाली ने, हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी अधिकारी वालों जी नहीं की गई है। अभी जे साबका डी जी पी चट्टोपाध्याय उन्होंने भी गल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने साइन है, क्योंकि सोशल मीडिया ही दसया जा रहा है कि यह सारे जेडे के जाली जे किए गए हैं। तो यह लिस्ट में लेके काफ़ी जे गृह विभाग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किदे वालों ये साइन किए गए हैं, एक लिस्ट जे डी एस पी ट्रांसफर की गई है कि वालों की गई है। ये सवाल जे उठ रहे हैं, जांच का विषय है, जांच के सामने आएगा कि यह लिस्ट सही है या किसी ने जाली दस्तखत करा के यूँ ट्रांसफर की गई है। बिल्कुल, और अजिहे विचकार इस मामले की गंभीरता दे नाल जांच होनी बेहद लाजमी हो जाती है कि एन चोण जाबता लगन तो पहला लिस्ट जारी होनी, दस्तखत दे जिहड़े जाली होने की गल सामने आनी, सो इसकी जांच होना बेहद जरूरी हो जाता है। दलजीत, बिल्कुल, देखो जो एक डी एस पी हो अलग गल है, लेकिन 47 जो डी एस पी ट्रांसफर की लिस्ट आई है जिन्होंने लेके एक विवाद जरा खड़ा होया, इन लेके असीं जिहड़े कि अधिकारियों नाल भी गल करनी चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी दे उपर कोई जानकारी नहीं दिया, क्योंकि एकदम देखो 3:30 बजे जिहड़ा हैगा इलैक्शन ऑफ इंडिया की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस होंदी है, तो उस तों बाद यह लिस्ट जिहड़ी है कि जारी की जाती है, जबकि जिहड़े पंजाब के डी जी पी है 11 बजे वह चेंज हो जाते हैं उस दिन, तो उस तों बाद कई जिहड़े सवाल जिहड़े इस लिस्ट नूं लेके उठ रहे हैं। तो हुण देखना होगा कि इस नूं लेके जिहड़े पुलिस के स्पोक्सपर्सन है की जवाब देंदे ने, इस नूं लेके जांच की भी जिहड़ी है मंग की जा रही है। यह भी दस्या जा रहा है कि एक लिस्ट होर उस दिन जिहड़ी जारी हुई थी, एक प्रमोशन की लिस्ट थी जिहदे विच वह भी लिस्ट जिहड़ी है हो सकता है वह उपर भी जिहड़े साइन जिहड़े है जाली किए हों या बैकडेट के किए गए हों। बिल्कुल, क्योंकि उस लिस्ट में भी यह कहा जा रहा है कि आउट ऑफ जिहड़ा है टर्न प्रमोशन कईआं नूं दित्ती गई है, जिहे विचकार भी मामला लगातार जिहड़ा है वह सुर्खियां विच रहा है। बिल्कुल, देखो पहला तो जिहड़ा वह सीगे एक ए आई जी के बेटे जिहड़ी की प्रमोशन दी गई है, उन्होंने लेके भी जिहड़े के सवाल उठ रहे थे कि एक बिक्रम जीठिया जी ने मामला दर्ज किया गया ए आई जी ने वो बेटे जिहड़ी की प्रमोशन दी गई है, कि वह हजे मामला हजे ठंडा नहीं हो, दूजा हुण इह मामला एक जिहड़ा है विवाद 47 डी एस पी ने जिहड़ी लिस्ट जारी है इहनूं लेके जिहड़ा है विवाद उठाएगा। जी दलजीत, शुक्रिया फिलहाल दी सारी जानकारी। सो फिलहाल यह मामला लगातार एक गरमाया हुआ है। दलजीत, जिस तरह के नाल यह मामला, क्योंकि बेहद संगीन यह मामला है और जिहड़े 47 डीएसपी पद्धर के अधिकारियों की जिहड़ी इस विच बदली हुई है, और अचानक दस दिए कि जिस नाल 8 तरीक नूं जिसन चोण जाबता लग्या चोण तरीकां दा ऐलान, उस तो कुछ देर पहला ही यह लिस्ट जिहड़ी है वह जारी हुई। सो इन्ने वड्डे पद्धर से डीएसपी पद्धर के अधिकारियों की बदली होना, इस तों लैके बवाल मचा होया है, सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन उस तो भी ज़्यादा जो फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि इस ते हुक्मा ते जो जिहड़ी है बदली दी लिस्ट है उस ते जाली दस्तखत जिहड़े ने डीजीपी चट्टोपाध्याय दे होए ने, जो आप भी लगातार विवादां विच पए ने। जे विचकार हुण इस ते कोई भी अधिकारी फिलहाल बोलण नूं तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले दी किते ना किते जांच जिहड़ी होनी बेहद लाजमी हो जांदी है। आखिर किस दे कहण ते इह जिहड़ा पूरा लिस्ट जारी हुई है, बदलियां होईयां ने, और जे दस्तखत जाली होए ने ते किसने उह दस्तखत कीते ने, की इस दे पिछे मंशा है, इह इस पूरे विषय दी जिहड़ी है जांच होनी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन दस दिए कि बदली के हुक्मां ते साबका डीजीपी चट्टोपाध्याय दे जाली दस्तखत की जो खबर आ रही है
फिलहाल विवादां विच आई लिस्ट ते कुछ भी कोई अधिकारी बोलन नू तैयार नहीं है, लेकिन इन्ने वड्डे पद्धर ते बदलियां एन चोण जाबता लगन तो पहला होना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दलजीत सरना लगातार बने हुए ने। दलजीत, क्योंकि अमूमन जो बदलियां होंदियां तो एक रूटीन होंदा है कि बदलियां होंदियां ने, लेकिन इन्ने वड्डे पद्धर से 47 DSP पद्धर के अधिकारियों की बदली होना और इस मामले के जिस तरह जाली दस्तखत की गल सामने आ रही है, कितने ना कितने कई तरह के शंके खड़े करता है। देखो राधा, बिल्कुल एकदम जिहड़ा इस तरीके नाल 47 DSP की बदली की लिस्ट जारी करना, ये काफी जिहड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं तुहानू दस्सदा कई जिहड़े क्योंकि कई अधिकारी जिहड़े के कैमरे के उपर नहीं आ रहे, सूत्रों तों ही पता लग रहा है कि हो सकता कि जिहड़ा मंत्रालय वालों किसी वालों ये पैसे लेके जां दी DSP दी जिहड़ी वी जिहड़ा का दिवाला कीता होए, पर ये सारियां गल्लां जिहड़ियां कि जांच का विषय, क्योंकि एकदम जिहड़ा इस तरीके दे नाल 47 DSP नाल जिहड़ा जो कि चोन जापता जिस दिन लगना हो लिस्ट जारी करना, यह काफी जे सवाल जे खड़े होंगे ने। पर हूँ इस मामले लेके असी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सबका DGP चट्टोपाध्याय कि यह लिस्ट वाकई उन्होंने वालों जी जारी की गई है या फिर की है यह पूरा मामला, पर अधिकारियों भी असी इसकी पुष्टि करने वास्ते संपर्क किया जा रहा है, पर कोई भी अधिकारी उपर कोई बोलन जरा तैयार नहीं है। बिल्कुल, और जे ये जेन्युइन लिस्ट है और जेन्युइन बदलियां हुई हैं तो फिर कोई भी अधिकारी बोलने तो क्यों गुरेज कर रहे हैं दलजीत, ये अपने आप सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखो सवाल तो यही है कि अगर जे जेन्युइन हैगी तो इनू जिहड़ा का ऑप्शन हैगी तो ये उपर कोई ना कोई जिहड़ा का अधिकारी इहदी आके जिहड़ा सफाई दे, लेकिन कोई भी अधिकारी इहदे उपर जिहड़ा का बोलन नू तैयार नहीं है। इहनू लेके होर जिहड़े के सवाल जिहड़े के खड़े हुंदे ने कि क्यों क्यों नहीं कोई भी ऑप्शन वरत नहीं इहदे उपर कोई स्पष्टीकरण दे रहा है। पर देखो सब तो बड़ी गल यह है कि जिस दिन आह 3:30 बजे जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है पूरे पंजाब के, उस तो बाद लिस्ट जारी किहदे वल्लों की गई, किने इहदे उपर जिहड़े के साइन किए गए हैं, ये सारिया जिहड़ियां जांच का एक विषय है। तो इहनूं लेके सरकार का हुण जिहड़े ऑप्शन हैगे आगे उन्हां वल्लों एक स्पष्टीकरण देना भी बनता है। बिल्कुल, स्पष्टीकरण देना बनता है क्योंकि पारदर्शिता जड़ी है इस मामले च रहनी बेहद जरूरी है, क्योंकि DSP पद्धर दे अधिकारी ने और एकदम 47 अधिकारियों दे इस तरह दे नाल बदली करना और इस नूं लेके जिहड़े शंके खड़े हो रहे ने, कोई अधिकारी बोलन नूं तैयार नहीं, ये अपने आप च कई सवाल खड़े करता है। यकीनन उम्मीद होएगी कि इसकी जांच जड़ी है जरूर होवे। दलजीत, बेहद गंभीर यह पूरा मामला है, लेकिन इस नूं लेके इसकी जांच होना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल राधा, 8 तरीक नू 47 DSP की जिहड़ी ट्रांसफर की एक लिस्ट सामने आई है, उन्हूं लेके जिहड़ा एक बवाल जिहड़ा मचा हैगा जिन्हों लेके कोई भी अधिकारी इनू लेके कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। दसया जा रहा है कि सोशल मीडिया के उपर चल रहा है कि जिहड़ी ये ट्रांसफर हुई ने इहदे उपर जिहड़े DGP चट्टोपाध्याय उन्हां दे जिहड़े साइन हैगे उह जाली हैगे, जिन्हों लेके असी जिहड़े पंजाब पुलिस के स्पोक्सपर्सन हैगे उन्होंने भी गल करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी इहदे उपर बोलन नूं तैयार नहीं है। सो एक मामला काफ़ी गंभीर है क्योंकि 47 DSP दा जिहड़ा गा बदली हुंदी हैगी उह भी जदों चोन जापता लगता हैगा उस तो बाद यह जी कि लिस्ट आती है कि ते नाल दी नाल ये भी कहा जा रहा कि जड़े कि DGP सीगे वह 11 बजे ही उन्होंने बदल गए सीगे, उन्होंने तो बाद जिहड़े के साइन इन्हें किए है। सो ये कई जड़े सवाल इस लेके जिहड़े के खड़े हो रहे हैं, तो इसनों लेके एक जांच की जिहड़े के मंग की जा रही है। दस दिए कि इस नाल नाल हजे DSP का जिहड़ा मामला है ठंडा नहीं होया, तो हुण जिहड़े SSP जिहड़े कि 1 तरीक नूं बदले गए सीगे, IPS जिहड़े अधिकारी हैगे ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਲਗਾਇਆਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 47 DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ।